और इस वक्त की बड़ी खबर बस्सी से आ रही है, जहां पर एसीबी ने तुंगा थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। 50,000 रुपए की घूस की डिमांड को लेकर के मुकदमा दर्ज। रीडर अशोक कुमार के खिलाफ भी मुकदमा किया दर्ज। परिवादी को डरा धमकाकर मांग रहे थे घूस। इस वक्त की ये बड़ी खबर बस्सी से सामने आ रही है, जहां पर एसीपी ने तुंगा थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 50,000 की घूस की डिमांड को लेकर के मुकदमा किया है दर्ज। रीडर अशोक कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। परिवादी को डरा धमका करके घूस मांग रहे थे दोनों। बस्सी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने तुंगा थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 50,000 रुपए की घूस की डिमांड का किया मुकदमा दर्ज। परिवादी को डरा धमका करके घूस मांग रहे थे, वहीं रीडर अशोक कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पचास हजार रुपए की डिमांड की गई थी, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीबी में तुंगा थाना प्रभारी पर मुकदमा किया दर्ज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रमोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, एसीबी ने तुंगा थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, परिवादी को डरा धमका करके घूस की डिमांड की जा रही थी और उसी को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कुछ अभी का अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एसीबी ने तुंगा थाना प्रभारी महेश कुमार व रीडर अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी ने 50,000 रुपए की घूस की जो डिमांड इन्होंने की थी, उसके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। परिवादी को जो मामला था उसके अंदर डराया धमकाया जा रहा था और घुस मांगी जा रही थी, इसको लेकर एसीबी ने आज मामला दर्ज किया है। मामला जो मुकदमा नंबर 206 है, जयपुर जो मूलचंद निरीक्षक है जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना देखने को मिल सकती है। जी चंद्रमोहन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बस्सी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने तुंगा थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 50,000 रुपए की घूस की डिमांड का ये मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही रीडर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिवादी को डरा धमका करके घूस की डिमांड की जा रही थी, जिसे लेकर के एसीबी ने ये मुकदमा दर्ज किया।